नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको कर देना है लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है गाइस। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी में यहाँ पर मिलती है, जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर आती है, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में कल रात। सबसे पहले आपके पर्सन अगर हिम्मत हार रहे थे ना गाइस, लियो राशि हो सकती है आपके पर्सन की, अगर आपके पर्सन हिम्मत हार रहे थे तो कहीं ना कहीं इस इंसान को एक एहसास हो रहा था कल रात कि इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वही सक्सेस की है। अगर उस इंसान को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उसको तो कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसको तो कॉन्फिडेंस गेन करना होगा, उसको तो हिम्मत जुटानी होगी। ये बात इस इंसान को समझ में आ रही थी। एक बात यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही कि कुछ बातें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसी जो आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और उन बातों के लिए ईश्वर के ऊपर इस इंसान को सरेंडर करना भी ज़रूरी है। आपके पर्सन को ऐसा, अब देखो वाइस वर्षा भी हो सकता है, किसी किसी को आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया आपके लिए, ठीक है, लेकिन बदले में उतना प्यार उनको नहीं मिला। एक नेगेटिव एनर्जी में आपके पर्सन कुछ एक ऐसा फील हो रहा था उनको कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्या करे क्या नहीं करे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आप ईमानदारी से खुद को सवाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस इंसान ने आपको टाइम नहीं दिया, अगर इस इंसान ने इस रिश्ते में उतना कुछ एफर्ट अगर नहीं डाले हैं, तो ये इंसान कल रात अपने आप को ईमानदारी से सवाल कर रहा था कि उसने क्या किया आपके लिए, क्या करना चाहिए था, और सिर्फ खुद को सवाल नहीं कर रहे थे तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन बहुत सारे सवाल दिमाग में ले बैठे हैं कि अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ऐसे कोई सवाल जो शायद उसका जवाब सिर्फ आप और आप ही दे सकते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप में बहुत ज़्यादा इंसानियत है, और यही इंसानियत कभी कभी आपका नुकसान भी करवा देती है। देखो इंसान में जब इंसानियत होती है तो हर कोई उसका फायदा उठाता है। आपकी इंसानियत ही आपके ऊपर भारी पड़ रही है, मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंसानियत है कि आपने हर वक्त इस इंसान को माफ़ किया, आपने हर वक्त इस इंसान की गलतियों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि आपके अंदर एक इंसानियत है, आप दूसरों को माफ़ करना जानते हो। आपने इस इंसान को जो माफ़ किया, हो सकता है आज आपको रिग्रेट हो रहा हो। किसी किसी के लिए वाइस वर्षा हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा पछतावा करता है दूसरों को बार बार माफ करने से, क्योंकि अगर आपने इस इंसान को माफ किया है तो आपको लगा था कि इंसान सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक ऐसे झगड़े हुए हैं किसी बात को लेकर, कोई ना कोई ऐसी परेशानी रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि कोई हकीकत है जो आप इस इंसान को बताना नहीं चाहते, हो सकता है। अगर ऐसा है, अगर आप इस इंसान से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपको लगता है कि ये इंसान हर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पर आ रही है कि कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो अपने दिल की बात, कोई कोई हकीकत आप छुपा रहे हो ताकि आप इस इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते, और सेम एनर्जी आपके पर्सन की है। कुछ तो ऐसा कड़वा सच है या कुछ तो ऐसी एनर्जी है, किसी किसी के लिए बात, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही, किसी किसी के लिए बात हो सकता है कि किसी की शादी फिक्स हुई है, या किसी की एंगेजमेंट हुई है, या घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या आपने घर वालों की बात मानना स्वीकार कर लिया है, या इस इंसान ने घर वालों की बात मानना चाहते हैं। कोई तो ऐसी एनर्जी है, कोई तो ऐसी हकीकत है जो या तो आप छुपा रहे हो इस इंसान से, या इंसान आपसे छुपा रहा है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी की शादी फिक्स हो रही है, किसी के घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या किसी का एंगेजमेंट हो रही है और आप अपने पर्सन से छुपा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन बड़े चिंतित थे कल रात, और ज़्यादा चिंताओं को अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर उनका टेंशन बढ़ता जा रहा था, परेशानी बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, आपने बहुत कुछ किया लेकिन मिला बदले में कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख और पीड़ा मिली है। और सेम एनर्जी आपके पर्सन को भी फील हो रहा था कल रात कि
उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन बदले में उसको वो प्यार नहीं मिला। अब ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था, या किसी किसी के लिए उल्टा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इतना प्यार दिया लेकिन वो बदले में आपको कुछ नहीं दे पाए। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं गाइस, एक न्यू स्टार्ट वो चाहते हैं। कल रात को सोच भी रहे थे कि अगर इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट करनी है तो उनको कैसे, मतलब कैसे बात करेंगे वो आपसे, कैसे आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। जब आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कल रात की, वो सोच रहे थे, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे कि उनको इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है और उनको हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ खास करना चाहता है, उसके बहुत ड्रीम हो सकते हैं, ये इंसान बिग ड्रीमर हो सकता है। और कल रात भी आपके सपने देख रहे थे और कल रात इस इंसान की आँखों में भी एक एक फ्यूचर, एक सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था उनको और उनके साथ आप। ठीक है, ये इंसान जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, जब भी अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उनको आप ज़रूर नज़र आते हो। कल रात की एनर्जी है कि इंसान जब भी सोचता है तो उसको आप नज़र आते हो उनके साथ। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने या तो खुद को बहुत परेशान करके रखा है, खुद को, ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको परेशान करके रखा है। अभी इंसान खुद को कैसे परेशान करेगा, निगेटिव थॉट्स में जाकर, इतना ज़्यादा निगेटिव थॉट्स में चला जाता है आपका पर्सन कि मतलब उसमें से बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे कोई घड़ी है कि अब ये इंसान उसमें या तो टूट सकता है या तो कुछ कुछ बन सकता है, या ये रिश्ते की भी अगर एनर्जी देखी जाए तो ये रिश्ता या तो टूट जाएगा या तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे हालात हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर आप में से ऐसे कि आपको डर लगता है कि रिश्ता बचेगा नहीं, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो यही एनर्जी है कि या तो ये रिश्ता बिखर कर टूट जाएगा या तो ये रिश्ता निखर कर बहुत आगे जाने वाला है, ऐसा ऐसा टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आप ऐसे कि आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ऐसी जो इस इंसान ने आपसे छुपाई, कुछ बातें ऐसी जो इस इंसान ने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो इनको लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करने वाले। पर्सन कुछ सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, कल रात भी इंसान जैसे तड़प रहा था, उनको कुछ सवालों के जवाब चाहिए गाइस, और वो सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। ठीक है, और क्या है देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या तो पहले से आप ब्लॉक हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को बड़ा डर लगता है, उनको लगता है बड़े ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पर, हो सकता है आपके घर वाले नहीं मानेंगे, या इस इंसान को लगता है इसके खुद के घर वाले नहीं मानेंगे। बहुत ज़्यादा संघर्ष इस रिश्ते में है, ठीक है, और ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, इस इंसान को पता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और ज़्यादातर मुझे ऐसे नजर आ रहे कि घर वालों की वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं, ना आप इस इंसान को देख पाते हो, ना आप इस इंसान से बात कर पाते हो, इस इंसान ने आपसे दूरियाँ बना ली है, इस इंसान ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया है, आप बात नहीं कर पाते हो, या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है। कल रात आपके पर्सन अगर इस इंसान ने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि कल रात इस इंसान ने गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या हो सकता है कि ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है इस इंसान का, हो सकता है कि बार बार देखता है, ठीक है, पहले ब्लॉक कर देता है फिर अनब्लॉक करता है फिर ब्लॉक करता है, मतलब जब आप सो जाते हो ये इंसान आपका अनब्लॉक करके आपकी प्रोफाइल वगैरह देख लेता है, आपका लास्ट सीन देख लेता है, कुछ ऐसे ना जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, नंबर 7 खास हो सकता है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान किसी दोस्त के साथ कुछ बातें भी कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है और यही हकीकत है, ठीक है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होता है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसी एनर्जी है जो आपका दिल दुखाए,
कोई ऐसी एनर्जी है जो हो सकता है आपको पता है कि इस इंसान ने क्या धोखा किया आपके साथ, इस इंसान ने क्या नाइंसाफी किया आपके साथ, आपको पता है। नंबर 333333 शायद आपको दिखाई दे रहा हो, आपके पर्सन को दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन या तो किसी के साथ शेयर कर रहे थे अपने दुख को, अपने दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ लोग लिए, देखो दो ग्रुप है यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन अपने किसी फ्रेंड के साथ अपने दुख को शेयर कर रहे थे, जो कुछ भी आप दोनों के रिश्ते में घटित हुआ, जो कुछ भी इस इंसान ने या आपने जो पीड़ा जो दर्द सहा है, ये इंसान अपने किसी दोस्त के साथ उन बातों को शेयर कर रहा था। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके साथ चीटिंग हो रही थी, आपके साथ धोखा हो रहा था, ये इंसान किसी और से बात कर रहा था। दो ग्रुप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन मिलजुल के इस रिश्ते में मतलब प्यार से रहना तो चाहते हैं गाइस। देखो फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर, शादी करना चाहते हैं वो आपके साथ। जिस तरह से आप एनर्जी है ना, वो मिलजुल के रहना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो वापस वो कार्ड कैसे बाहर निकल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों की शादी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। हो सकता है शादी के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू को नहीं जाना, अब जाके इस इंसान को समझ में आ रहा है कि शादी के लिए परफेक्ट कौन है, तो वो आप हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने बड़ी जल्दबाजी कर दी। अगर अगर ये इंसान आपसे रूठ गया है, अगर इस इंसान ने किसी छोटी से छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान किया आपको, आपसे दूर चले गए, तो इस इंसान को बड़ा रिग्रेट है। हो सकता है इसने जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो अब इसके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ये अपनी खुद की गलतियों की वजह से कल रात पछता रहा था। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन को जो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तब जाके इंसान आपसे शादी करना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगा था पहले कि आप इतने काबिल नहीं हो, ठीक है, लेकिन अब जाके उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। जब आपसे दूर गया, जब उसने आपको दूर से समझा, तब जाके इस इंसान को समझ में आया कि आपका होना कितना ज़रूरी है, आपकी वैल्यू क्या है, और तब जाके शादी के बारे में सोच रहे थे कल रात। ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपका दिल तोड़ दिया है, आपसे दूर चला गया है, और अब जाके उसको आपकी वैल्यू हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपसे दूर जाकर भी इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट होगा कि कोई थर्ड पार्टी है, नहीं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई थर्ड पार्टी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बहुत टाइम देते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ बहुत घूमना फिरना रहता है इनका, हो सकता है इनको आदत है हर बार अपने दोस्तों से शेयर करना। कुछ ऐसे एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है किसी किसी के लिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप चेंज चाहते हो, ठीक है। देखो बॉटम में क्या है, किसी किसी का यहाँ पर दिल टूटा है, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, और ये बदलाव तभी आएगा जब आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको बदलना है, आपको लेट गो करना है, आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद डिसाइड करोगे, कोई कितना कुछ भी बताए आप नहीं कर जाओगे लेट गो। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया, ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि हो सकता है आप तो बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, लेकिन डेस्टिनी का आपको साथ नहीं मिल रहा है। मैच्योरिटी की कमी हो सकती है आपके भीतर, ठीक है, या किसी किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो कि आपने बहुत सैक्रिफाइस कर लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हर वक्त दूसरों के बारे में सोचा, हर वक्त दूसरों को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, इसके लिए खुद सैक्रिफाइस करते रहे, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर चाइल्डिश है, अपने अंदर पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। नंबर 7 यहाँ पर दोबारा आया है, पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हो रहे हो आप, सब्र नहीं हो रहा आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि देखो गाइस, कुछ बातों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी बताया जा रहा है। हो सकता है कोई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर जाते हो
तो आप बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। बात छोटी सी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं, आप बहुत ज़िद्दी हो, आप मानते नहीं हो, ठीक है। अगर ये ज़िद आपका नुकसान करवा रही है तो ऐसी ज़िद किस काम की, ठीक है। अगर ऐसी ज़िद जो आपके प्यार को ही आपसे दूर कर रही है तो ऐसी ज़िद किस काम की। छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे तो बहुत कुछ बड़ा आप हासिल कर सकते हो। एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों को, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन की भी, दोनों को एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ेगा, तब जाके एक रियूनियन के चांसेस यहाँ पर है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।